नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए और ऐसे में पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। एनडीए के सहयोगियों से भी मंत्री बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 8000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश विदेश की हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनी। और ऐसे में शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ अहम मीटिंग भी की। सभी को सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने को कहा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है, लिहाजा चुनौतियां बड़ी हैं। सवाल ये कि क्या पिछले 10 साल की तरह मोदी 3.0 भी बड़े फैसलों की सरकार होने वाली है? रिपोर्ट देखिए। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस तरह राष्ट्रपति भवन के अहाते में इतिहास रचा गया। रायसीना की पहाड़ियों के पीछे जब सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत का संकल्प ले रहे थे और देश दुनिया से आई तमाम हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का साक्षात्कार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई लीडर लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुका है। तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस क्या होगा? तीसरी बार मोदी सरकार कौन से बड़े फैसले ले सकती है? गठबंधन की सरकार के 100 दिन के एजेंडे का क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। वैसे शपथ से पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि देश के विकास की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नेताओं से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर जुट जाने को कह दिया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर, तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे जो भी जिम्मेदारी मिले। वो तो 2047 का सपना संजो करके कर रहे हैं। क्या होगा एजेंडा नए मोदी 3.0 का? जो हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीओ, एक संकल्प पत्र का घोषणा किया है इलेक्शन से पहले, उस संकल्प पत्र के आधार पर हम इस 5 साल काम करेंगे। बिल्कुल न दक्षिण नहीं है, सभी जिधर जिधर भारतीय जनता पार्टी की सेटबैक हुआ है, सभी जगह हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस 5 साल में काम करेंगे। 5 साल में काम कर बहुत और ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा ध्यान देकर आने वाले दिन में पार्टी को एक मजबूत बनाएंगे दक्षिण के साथ साथ सभी देश में। तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव्स है, उसमें से वो क्या देंगे, जो भी काम देंगे हम उसको पुरजोर ठीक ठाक करने के लिए हम कोशिश करेंगे। लोगों को देना है, पब्लिक ने समझा, हमने 2-3 बार उनको समझाने के लिए कोशिश किया था लेकिन समझ नहीं पाते थे, और अभी लोग समझ गए और हम लोग को मौका दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैम, यही कहेंगे कि तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बन रही, इसका मुझे, मेरे पार्टी को और सारे देश को बहुत बड़ा आनंद है।
और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई सिंपल बात नहीं है। मतलब देश का नेतृत्व 15 साल करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं और 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी। जिस तरह 10 सालों में हमने काम किया था उस काम का लेखा जो हमने लोगों के सामने रखा है, ये गरीबी रेखा के नीचे जो अभी भी और कुछ लोग है उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार काम करेगी। 25 करोड़ लोगों को हमने 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी दायित्व दिया है मैं प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं और अच्छा काम करूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए कोई चुनौती ऐसी बात नहीं है, हम सब मिलकर के अच्छा से काम करेंगे और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, परम वैभवशाली बनाने के लिए जो भी बेस्ट डिसीजन लेना होगा, राज्य हित में राष्ट्र हित में जो डिसीजन लेना होगा हम लोग डिसीजन लेंगे। मोदी सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।